वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रीति। आई एम प्रीति वंस अगेन विद यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा 2022 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो पेपर था, उसका जो क्वेश्चन पेपर था, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप 12th क्लास में हैं और आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है। तो आप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैरी करती है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं क्या है। तो ये जो पेपर है, ये टोटल 70 मार्क्स का है। वैसे 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। तो 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है। तो इसकी टाइमिंग जो है वो 3 घंटे है। क्वेश्चन पेपर की जो टाइमिंग होगी वो 3 घंटे होगी। 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चंस केयरफुल्ली सॉल्व करने होंगे। अब हम पेपर की इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि पेपर का क्राइटेरिया क्या है। तो इस पेपर में 38 क्वेश्चन होंगे। टोटल 38 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हमें 3 घंटे में करना होगा। और टोटल कितने नंबर का पेपर होगा? 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो इसमें 1 से 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 नंबर कैरी करते हैं, और 9 से 18 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर कैरी करते हैं, और 19 से 27 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 नंबर कैरी करते हैं, और 28 से 30 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 5 नंबर कैरी करते हैं। तो इस तरह से ये पेपर जो है, इस तरह से सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अब हम पेपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिससे आपको एक राइट आंसर को सिलेक्ट करके आपको टिक लगाना होगा। तो क्वेश्चन है, एक चालक के गोले की त्रिज्या आर है, इस गोले के केंद्र पर वैद्युत विभव एवं विद्युत अक्षेत्र क्रम से क्या होंगे? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शंस में से आपको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन उसके बाद आपको राइट आंसर अपनी कॉपी में लिखना है। तो जैसे ये इसका सॉल्यूशन है, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी? तो सपोज किसी चालक का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, वो 500 ओम है, तो उसकी वैद्युत चालकता जी क्या होगी। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वैद्युत चालकता का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो आप उस इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है G/I/V = 1/R। तो जहाँ आर क्या है? प्रतिरोध है, और प्रतिरोध तो हमें क्वेश्चन में मिला हुआ है 500 ओम। तो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और वैल्यू को हम अपनी फॉर्मूले में रखेंगे और अपना आंसर जो है आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम, जूल प्रति न्यूटन या कूलाम प्रति न्यूटन। तो बी इसका राइट आंसर है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लोरेंज बल, घर्षण बल, श्यान बल, प्रत्यानयन बल। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लोरेंज बल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओमीय परिपथ क्या होता है? अनओमीय परिपथ का उदाहरण दीजिए। तो हमें पहले ओमीय परिपथ की डेफिनेशन देनी है। तो डेफिनेशन है, यदि किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं न बदलने पर प्रतिरोध नियत रहे, चाहे सिरों के बीच विभवांतर कितना हो, तब उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। और अनओमीय परिपथ का उदाहरण है अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की एक धारा होती है जो विसर्जन नलिका में कैथोड इलेक्ट्रोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गति करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? तो जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी और अक्षमता क्या होती है? तो हमें जो फोकस दूरी है उसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने सॉल्व किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस वीडियो से आप इसको जो आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 9 से जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स कैरी करते हैं। तो किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको वैद्युत धारा
और अनुगमन वेग जो है उसके बीच आपको संबंध स्थापित करना है। तो ये क्वेश्चंस जो है ये मैंने सॉल्व किया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार चालक लूप में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी जो होता है उसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको किस फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये इसमें सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। तो स्वप्रेरण गुणांक की हमें गणना करनी है, आप देख सकते हैं वीडियो में, मैंने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो हमें WNG निकालना है, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। तो फैराडे का प्रथम नियम है, जब किसी परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रवाहित होता है। फैराडे का द्वितीय नियम है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाबर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य का 6652 एंगस्ट्रम है। इस श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है। जैसे मैंने सोल्व किया है, आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैद्युत विभव के कारण अक्षय स्थिति में विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो हमें निकालनी है। तो आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है इस आंसर का, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।